राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ प्रीति माहेश्वरी और आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, ये है हमारे लड्डू गोपाल जी की होली का दहन की तैयारियाँ। ये जो ड्रेस है मैंने आपके साथ लड्डू गोपाल जी के शॉपिंग हॉल में शेयर करी थी, होली शॉपिंग हॉल में। और आज मैंने देखी उनको यही ड्रेस जो है पहनाई है। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार और ये ड्रेस लड्डू गोपाल जी की कैसी लगी। तो चलिए, मैं आपको आज अपने लड्डू गोपाल जी से मिलवाती हूँ। ये हैं हमारे बड़े लड्डू गोपाल जी, जैसा आप देख पा रहे हैं। और ये देखिए, इस ड्रेस के अंदर कितने ही सुंदर लग रहे हैं। और ये हैं देखिए हमारे छोटे से बाल गोपाल, इन्होंने भी सेम मैचिंग की ही, ये देखिए बहुत ही प्यारी सी ये ड्रेस पहनी हुई है। और आप जैसा देख पा रहे होंगे, मैंने इनको ये देखिए रोज़ फ्लावर जो हमारे पेड़ों में होते हैं उन्हीं को जो है देखिए इनकी इयररिंग बना दिया है। आज के दिन मैंने थोड़ा सा आइडिया लगाया, छोटे छोटे से जो बंच गुलाब होते हैं उन्हीं को आज तोड़कर मैंने इनकी इयररिंग बना दिया है, जो इनके ऊपर इस ड्रेस के साथ बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और आपको ये आइडिया कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। तो देखिए, ये है हमारे लड्डू गोपाल जी की होली का दहन की एक प्यारी सी छोटी सी झलकी। और आगे मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने रंग वाली होली के लिए इनके लिए और क्या क्या तैयारियाँ की हैं, ताकि आपको भी थोड़ा सा आइडिया लग जाए और आप भी रंग वाले दिन अपने लड्डू गोपाल जी के लिए इन तैयारियों को कर सकते हैं। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो पिछले साल की होली की वीडियो है वो भी अपलोड करी हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से देखकर भी आप ये आइडिया लगा सकते हो कि मैंने इन चीज़ों का जो है पिछले साल होली पर किस तरह से यूज़ किया था और इस साल मैं कैसे इनका यूज़ करूंगी, अपने लड्डू गोपाल जी के लिए कैसे रंग अपने लड्डू गोपाल जी के साथ कैसे रंग वाली होली मनाऊंगी, ये मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो ये थी देखिए होली का दहन की हमारे लड्डू गोपाल जी की एक छोटी सी प्यारी सी झलकी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमने रंग वाले दिन के लिए इनके लिए क्या क्या तैयारियाँ की हैं। तो देखिए, मैंने आपके साथ बात करी कि मैंने इनके लिए रंग वाले दिन के लिए क्या क्या तैयारियां की हैं। तो देखिए, ये जो है आप इसे छोटी छोटी मटकियां कह सकते हैं और ये वैसे कुल्लड़ होते हैं, वही चीज़ है। इनके ऊपर देखिए इस तरह से प्लेन कलर करने के बाद मैंने दूसरे कलर से जो है इनके ऊपर इस तरह से देखिए डिज़ाइन बना दिया है। और क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी कन्हैया जी को राधा रानी से बहुत प्रेम है, तो हमने देखिए हमने इन मटकियों के ऊपर भी राधे राधे लिख दिया है, जिससे वो होली वाले दिन बहुत खुश हो जाएं, बहुत खुश रहें उस दिन और राधा रानी के साथ होली खेलें। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, तो आप भी जो है इस तरह का आइडिया ले सकते हैं, क्योंकि जब हम लड्डू गोपाल जी के साथ होली खेलेंगे तो इनके अंदर देखिए हम कलर जो है भरकर वहां पर उनके सामने रखेंगे। और अगर आपको देखना है कि ये आइडिया कैसा लगता है, तो मैंने पिछले साल की भी देखी, जैसा आपको पहले भी बताया कि वीडियो शेयर करी हुई है, वहां पर मैंने इसी तरह की और डेकोरेट करी हुई मटकियों का भी यूज किया है। और मैंने उनका यूज कैसे किया है वो आप देख सकते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। और अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगे तो आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए कृष्ण जी के साथ इसी तरह के आइडिया जो है यूज कर होली खेल सकते हैं। और ये देखिए, इसी तरह की जो है मैंने और मटकियां भी शेयर करी हैं। ये देखिए, इसके अंदर भी राधे राधे हमने हर मटकी में ज्यादातर कोशिश करी है लिखने की, ताकि हमारे लड्डू गोपाल खुश रहें। और ये देखिए, ये बच्चों की इस तरह से पेंटिंग बनाई है, जिन्होंने हाथों में इस तरह से कलर लिए हुए हैं, ये देखिए। और आपको ये मटकी का डिजाइन डेकोरेशन कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो देखिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। उसके साथ में जो बेल आइकन है उसको भी देखिए प्रेस जरूर करना, ताकि आने वाले समय में मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ये देखिए, ये थी हमारी दूसरी मटकी, जिसके अंदर हमने कुछ इस तरह का आइडिया यूज़ करा हुआ है।
और आप चाहे तो अपने मन के हिसाब से भी, अपने मन मुताबिक भी जो है इन मटकियों को बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत डिजाइनों में और रंग के अंदर देखिए रंग कर तैयार कर सकते हैं। और लड्डू गोपाल जी और कन्हैया जी के साथ होली खेलते समय इनके अंदर अलग अलग रंग भरकर उनके सामने रख सकते हैं। और एक तीसरी मटकी देखिए कुछ इस तरह की है, ये इस तरह से हमने प्लेट में कुछ रंग बना दिए हैं इस तरह से। तो ये आपके ऊपर है कि आप इनको कैसे डेकोरेट करना चाहते हैं। और इसी तरह का देखिए एक चौथा आइडिया जो है ये है, जिसके अंदर हमने कुछ ये वाला डिजाइन सेलेक्ट किया है इस तरह का। तो डिजाइन देखिए बहुत सारे हैं, आइडिया बहुत सारे हैं, आप इन मटकियों को जो है अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। और यकीन मानिए जब हम होली सेलिब्रेट करते हैं उनके साथ लड्डू गोपाल जी के साथ, और जब हम इन मटकियों को सुंदर सजीवी मटकियों को उनके सामने रखते हैं और होली खेलते हैं, तो होली का आनंद जो है और भी बढ़ जाता है, बहुत ही मजा आता है लड्डू गोपाल जी के साथ होली खेलने का। जब उनके सामने देखिए इस तरह की कलरफुल मटकियां रखी होती हैं तो जो है आनंद और भी बढ़ जाता है। और इसके साथ ही मैं आपके साथ एक मटकी और शेयर करूंगी, ये देखिए इस पर भी हमने जो है राधे राधे लिखा हुआ है, साथ ही साथ हैप्पी होली लिखा हुआ है। और यहाँ पर भी देखिए ये नीचे की तरफ कुछ गुलाल प्लेटों में रखा हुआ है और बच्चे आपस में देखिए इस तरह से जो है रंग उड़ा रहे हैं। तो ये देखिए बहुत ही यूनिक और अच्छा आइडिया है। तो आप जो है इस तरह से देखिए मटकियों को डेकोरेट करके अपनी होली को और भी शानदार और बहुत ही सुंदर रंग भरी बना सकते हैं, क्योंकि देखिए होली जो है रंगों का त्योहार है। तो अगर हम इस तरह के रंगों का मटकियों पर यूज करके और जब इनके अंदर कलर भर के रखेंगे तो उसका जो है मजा और भी बढ़ जाता है। और होली का जो त्योहार असल में रंगों का त्योहार है, इस तरह से देखिए रंग बिरंगी जब मटकियां होंगी उनके अंदर रंग होंगे तो सोचिए होली कितनी खूबसूरत जो है हमारी बनने वाली है, और वो भी अपने कन्हैया जी के साथ, बाल गोपाल के साथ। तो देखिए आपको ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आपको ये मटकी डेकोरेशन कैसी लगी ये भी मुझे जरूर बताना। और अब मैं आपके साथ एक मटकी और मैंने जो है स्टोन वर्क के अंदर जो है कंप्लीट करी है, मैं आपके साथ एक बार वो और शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये है हमारी 6 नंबर की मटकी, जिसको हमने देखिए इस तरह से स्टोन वर्क में डेकोरेट किया है। तो देखिए बहुत सारे आइडिया है जिनसे आप अपनी रंगों भरी होली को और भी कलरफुल और भी रंगीन बना सकते हैं। तो ये देखिए नीचे ये इस तरह के देखिए स्टोन जो है मार्केट में मिल जाते हैं इजीली, और ये वाले स्टोन भी। तो आप देखिए इनका जो है यूज करके, और ये बहुत ही कम समय में यानी 5 से 10 मिनट के अंदर जो है आप ये सारी मटकियां बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। जो आइडिया आपको अच्छा लगे, जो आपको लगे आप जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं, तो जल्दी जल्दी देखिए आप अपने लिए लड्डू गोपाल जी के लिए होली सेलिब्रेशन के लिए इस तरह की मटकियां डेकोरेट कर सकते हैं। और आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा, आपको ये मटकी डेकोरेशन का आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आपने अपने लड्डू गोपाल जी के साथ होली खेलने के लिए क्या क्या तैयारियां करी हैं मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो देखिए ये थी हमारी लड्डू गोपाल जी के साथ रंग भरी होली खेलने के लिए कुछ तैयारियां। तो आपको मेरी लड्डू गोपाल जी के लिए रंग वाली होली खेलने के लिए करी गई तैयारियां कैसी लगी मुझे जरूर बताना, और आपको ये आइडिया कैसा लगा मेरे साथ जरूर शेयर करना। तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, और मिलेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हमने लड्डू गोपाल जी के लिए साथ रंग भरी होली कैसे खेली उस वीडियो के साथ। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।